अच्छा कुछ खाएंगे आप? यहाँ से खिलाने वाले? नहीं यहाँ तो 5 साल के ऊपर की चीजें हैं, आप बोलो तो बाहर से मंगा दें। नहीं छोड़ो, खा लो, आपके बहाने हम पे भी खा लेंगे। भूख लगी आपको? खा सकते हैं, टाइम पास के लिए तो हम खाते ही हैं। तो घर पे ले जाओ, घर पे खाएंगे। ये दुकान तो मैं, ये जो आपका शॉप है ना, और जो आप कीपर हो, पसंद नहीं आया? नहीं आप तो पसंद है, शॉप भी पसंद आया, लेकिन इसमें जो रखा हुआ है वो पसंद नहीं आया। अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, हमारा तो फेवरेट टाइम पास है। हम तो कौन सा यहाँ पे बिजनेस से कुछ बनाना है, हमारे पास बहुत पैसा है। अच्छा, हमारा हरियाणा साइड में ना बहुत बड़े बड़े प्लॉट है, तो हम सब ने बेच दी बिल्डर लोग को, तो पैसा इतना क्या करें, हम टाइम पास के लिए दुकान चलाते हैं। तो एक्टिंग नहीं करते? हमने एक बार कोशिश की थी, हम एक बार गए थे ऑडिशन देने। अच्छा, तो वहाँ पे पीछे खड़ा कर दिया, कोई काम देते हैं नहीं, इधर से उधर बस चलते जाओ, ऐसा ही कुछ था। जूनियर आर्टिस्ट? ओह, जूनियर आर्टिस्ट। आप पहले डांसर थे ना? जी। पीछे डांस करते थे? जी। फिर पीछे से आगे आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, ऐसे साइड से निकल आते? इतना इजी होता तो बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन इतना इजी है नहीं। तो आपको कोई गॉड फादर है या अपने आप बनते गए? मेरे एक गॉड फादर जिसने मुझे सबसे पहले काम दिया था वो अनुभव सिन्हा थे। पिक्चर बनाते हैं? हाँ, अच्छी पिक्चर बनाई थी इन्होंने, तुम बिन और पहले काफी सारी बने। बहुत पहले आई थी, 25-30 साल पहले आई थी? 14 साल पहले आई थी। 14 साल? जी। हाँ, ये हिट थी ना इसमें, तो अपने प्रियांशु भाई भी थे। प्रियांशु भाई थे, हिमांशु भाई थे। आते हैं हमारी दुकान पे, आते हैं। आते हैं? वो हेल्थ का पाउडर लेके जाते हैं। अच्छा, हम तो वॉशिंग पाउडर दे देते, बोलते यही हेल्थ का है, और पी लेते हैं। मुँह से झाग निकलती हुई अगले दिन आते हैं। ठीक है, हमारा क्या है। आप बॉडी बनाते हो? जी। फिर बॉडी पे अब इतने सारे आपने बनाए हुए? जी, टैटू। टैटू? जी। कौन कौन से हैं ये? है, ये तो ड्रैगन है। अच्छा, और फिर ये बुद्धा है। ये चाइना का एनिमल है ना ये? ये, हाँ, ये। हमारी वाइफ चाइना की है, हाँ? इसलिए हम पहचानते हैं, उनका नेशनल एनिमल है। और कहाँ कहाँ है? अब बाकी जगह मैं टीवी पे दिखा नहीं सकता हूँ। अब हमको MMS कर देना, हम देख लेंगे बाद। पर्सनली दूंगा मैं, आप ही देखना सिर्फ। ठीक 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 है। छुटकी मैडम को दिखा दो, बावड़ी हो जाएंगी। उनको मत दिखा देना, नहीं तो फिर वो तो घर आ जाएगी फिर। कहाँ रहते हो? ये इधर बाजू में। मतलब कौन सा एरिया पड़ता है ये? लोखंड वाला। ये तो बहुत अमीर आदमियों का एरिया है। पता नहीं अभी तो हमको तो पता नहीं, हमने तो उतरते आपकी गाड़ी नहीं देखी। हमको लगा आप बस से उतर के आया, तो हमको स्टेटस पता नहीं चला आपका। अच्छा अच्छा, बड़े आदमी हो तो बता दो अभी से, फिर हम अपने आप उस तरीके से बात करेंगे। नहीं नहीं, अब मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरा भी शॉपकीपर जैसे ही। सिंपल हुआ? सिंपल है बस, हम तो कहते हैं सिंपल ही रहना चाहिए। और क्या। सुनो, मैंने एक टैटू बनवाया है। हाँ जी, दिखा दो। सबके सामने नहीं दिखा सकती। अरे कौन सी जगह पे बनवाया है? वो बस अड्डा है ना, उसके साथ वाली दुकान पे। हाँ जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि बॉडी पे कहाँ बनवाया है? वो नहीं बता सकती। ड्रैगन बनवाया है। चाइनीज सांप, आपको डर नहीं लगता? मैं किसी चीज से नहीं डरती। हाँ, कॉकरोच। ओह माय गॉड, कॉकरोच। आपको ना बहुत बड़े स्टार मानते हैं यहाँ पे। हाँ, बात होती है, हमने सुना है आस पास ना आपके बारे में, रिमो रिमो करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है। इस पे तो पिक्चर भी आई थी, हॉलीवुड की पिक्चर बनाई आप पे, वो फाइंडिंग रिमो ऐसे करके पिक्चर आई थी। फिर कहाँ मिले आप? वो समुद्र पे बनाए, उन लोग ने मच्छी पे बनाई थी, उसका नाम था नीमो। रिमो नहीं था? रिमो नहीं था। हाँ जी, एक बात बताओ रेमो भाई, अभी आप इतने काले कैसे हो गए? धूप में नाचते नाचते हो गए या फिर कोई और चक्कर है? पैदा तो बड़ा गोरा हुआ था, लेकिन स्ट्रगल करते करते बॉम्बे की धूप ने मुझे काला कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, काला ही पैदा हुआ था। आप वो कुछ फिर क्रीम वगैरह हमारे पास है? कुछ काम नहीं होती, बहुत ट्राई कर लिया मैंने सब। वैसे भी ये बोलते हैं कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ कहती है काले बड़े दिल वाले होते हैं। जी, बात तो सही है, और वैसे भी हमारा जो आधा हिंदुस्तान है, हाँ, सारे के सारे हम ऐसे ही हैं। हम पता नहीं क्यों फेयरनेस के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, तो हमारी इतनी सेल होती है गोरेपन क्रीम की। वैसे अच्छा होती है यहाँ पे सेल? हाँ जी, बेचते हैं हम। मैं तो एक्चुअली अच्छा है, आपको भी बोलता हूँ, आप जो भी खरीदने आते हैं उनको बोलो कोई फायदा नहीं है, मत खरीदे। हाँ जी, आपको एक बात बताते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है कि ये बाहर की जो देश होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पे एक क्रीम मिलती है डार्क एंड लवली। अच्छा, ये फैक्ट है। तो हम जो है, हम गोरे बनने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो काले होने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो खुश इंसान कभी रहता ही नहीं है। कभी नहीं रहता। आप खुश रहते हो? मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ। गेम खेलो? चलो। देखिए बोतल है हमारे पास, इसको हम घुमाते हैं, ये आपकी तरफ आएगा, फिर आपको बताना है सच्चाई या हिम्मत, एक चीज चूज करनी है। अच्छा ठीक है, 5, 6, 7, 8 बोले आपको? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 देखो जी आप पे आए। तो अब आप बताओ हिम्मत या सच्चाई? हिम्मत। हिम्मत है तो हम आपको चैलेंज करते हैं। वो जो गणेश है, गणेश कौन से भाई साहब है, मोटे वाले? गणेश आचार्य।
उनको कंधे पे बिठा के आपको 10 चक्कर काटने में दान की। उनको कंधे पे बिठा के? कंधे पे बिठा के। कंधे पे बिठा तो लूंगा, फिर मुझे कौन उठाएगा? मतलब नहीं कर पाओगे, गिव अप। गिव अप। तो फिर एक काम करो, यहाँ पे मुर्गा बन जाओ, पश्चाताप पूरा हो जाएगा। मुर्गा बन जाओ? मुर्गा बन जाओ। ठीक है। नहीं जी, मजाक कर रहे हैं जी, आप इतने बड़े आदमी, हमको आपको थोड़ी मुर्गा बनाएंगे। स्वीट हो तो आप हमारे तरह स्वीट हो। अच्छा, हम पे पूरे मोहल्ले की जो कस्टमर होती है लेडीज सब बावली हम पे। अच्छा, वो इस बात से याद आया मुझे, चुटकी भी बड़ी फैन है आपकी शायद। अरे वो बावली रखी है हमारे पीछे। रियली? इतनी सारी दुकानें हैं, सब छोड़ के यही शॉप पे आती रहती है। पता नहीं क्या मिलता है, प्लेजर हमको तो लगता है होरनी है वो। हैं? अब वहाँ जा रही हो, संभाल के जाना। अच्छा, बट वो तो जब देखो आप पे घूमती रहती है। उनका कोई दिन मान नहीं है, ये तो हम अवेलेबल लगते हैं इसलिए हम पे मारती है। है बड़ी हॉट लेडी। शॉपकीपर। आई 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 बेटी। शॉप।